आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं रिपब्लिक भारत के विकास शर्मा की मौत का क्या राज है। क्या वास्तव में इनकी मौत का कारण कोरोना था या डिप्रेशन की वजह से इम्यूनिटी का कम होना था। ये सब इसलिए कि इनकी बहन लगातार ट्वीट कर ट्विटर पर आवाज़ उठा रही हैं, यहाँ तक कि उनके बच्चों से उनको मिलने तक नहीं दिया जाता था उनकी पत्नी द्वारा। आइए देखते हैं क्या है। दोस्तों हमारी कोशिश अच्छी लगे तो अमृत पायस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। मैं इस वक्त गाड़ी में हूँ और मैं अपने एडवोकेट से मिलने आया। इसी दौरान देखा कि मेरी वाइफ उसकी भाभी यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा मैं यहाँ से निकलता हूँ, ये सोचा और मैं सीधे निकला हूँ। उन लोगों ने भी मुझे शायद देखा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग धमकी अमकी का या कुछ ऐसा, इसीलिए मैं यहाँ से निकल रहा हूँ ताकि एलिगेशन हम पे कोई और ना लगे इतने झूठे एलिगेशन लगाने के बाद में। आपको मैं दिखता हूं ना टीवी पे, बहुत खड़ूस से लोग बोलते हैं मुझे, कुछ लोग अच्छा बोलते हैं, अच्छा बोलता है, बट मैं जैसा टीवी में हूं वैसा हूं नहीं। अभी मैं ऑफिस से घर पहुंचा, रात हो गई है, खाना खाने का भूख तो लगी है बट तबीयत अच्छी नहीं है, बना सकता नहीं, हिम्मत नहीं हो रही है, कपड़े उतारे हैं। सुबह मैंने रोटी बनाई थी, सब्जी बनाई थी, एक रोटी बच गई थी ये देखिए, बट ये बहुत कड़ी हो गई है, खुद बनाई है मैंने, यही खाऊंगा। घर में कोई और है नहीं, फीवर है, तो ये देखिए मेरी रोटी और मेरी सब्जी। अच्छा है, कड़ी रोटी है बट अच्छी लग रही है, भूख लगी है, बनाने की इच्छा हो नहीं रही है। थोड़ा सा खरबूजा रखा है, आधा होगा ये देखिए उसमें, इसको खाऊंगा, सो जाऊंगा, फिर लगेगी भूख ज़्यादा तो संतरे एक दो रखे हैं, देखूंगा सही है कि नहीं। आपने खाना खाया कि नहीं पता नहीं, आप सब मेरे जितने दोस्त हैं, अच्छी लग रही रोटी। जब कोई अकेले रहता है तो ये मुसीबतें आती हैं। खैर पेट को जाना चाहिए कुछ। सूखी मिर्च है काफी दिन की, इसको खाते हैं। हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो जिनको एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है। सब कुछ हमारे पास, गाड़ी है, घर है, बीवी है, बच्चे हैं, लेकिन कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको कष्ट देने के लिए पैदा होते हैं। पड़ाव है जिंदगी का, गुजर जाएगा। मैं देखिए कितना बड़ा सा घर है, अकेले रहता हूं उसमें, मैं सामान भी नहीं मेरे पास ज्यादा, खुद बोलता हूं तो खुद ही सुनता हूं, खुद में ही मेरे कान में ही आवाज आती है। अच्छा है, खुद से बातें कर लो। हम सभी बहुत सारे मुश्किल में लोग हैं,
सबका वक्त कट जाता है, मेरा भी कट जाएगा। अगर मुझे ज्यादा भूख लगेगी, थोड़ी सब्जी है ये बनाने की हिम्मत है नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़े राइस बना लूंगा, इसका रस है थोड़ा सा उसी से। माँ बाप को बहुत चाहता हूँ, होते ही माँ बाप ऐसे। जीवन में अगर आपके साथ कोई नहीं खड़ा है तो सिर्फ आपके माँ बाप है, वही हिम्मत देते हैं और वही हिम्मत लेके मैं आगे बढ़ रहा हूं। गुड बाय। इतना टैलेंटेड व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ, मेरा विकास जमीन से जुड़ा हुआ एक एंकर था। कभी भी उसके साथ मैं बैठता था तो कहता था, विकास कौन सी स्टोरी पिक करोगे, तो वो नोट्स लिखता था। और जिस तरह से अगर उसके साथ कोई एडिटोरियल डिस्कशन हो जाए तो उसके बाद जिस तरह से वो इंप्लीमेंट करता था, और उसकी एंकरिंग की स्टाइल बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग। जो कहते हैं टोटली इन्वॉल्व विद द स्टोरी, खबर के साथ जुड़ा हुआ एक व्यक्ति इतनी कम उम्र में, इतनी कम आयु में हमको छोड़ के गया, मेरे लिए ये बहुत बहुत मुश्किल है विश्वास करना कि विकास नहीं है। क्योंकि मैंने तो श्वेता, मैंने सोचा था कि, और मैं विकास को कहता था, आप भी थी श्वेता, मैं हमेशा ये कहता हूं कि अब समय आ गया है कि जो युवा पीढ़ी है विकास जैसे एंकर टेक ओवर करें हम। और इतनी अचानक, इतनी कमाईयों में हमारे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए श्वेता, ये बहुत बहुत बड़ी लॉस, बहुत बड़ी लॉस। मैं इसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, बहुत बड़ी लॉस है। और हम हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि रिपब्लिक भारत को बनाने में जो विकास की भूमिका रही है, बहुत बड़ी भूमिका है। इससे ज्यादा मैं अब इस वक्त और कुछ नहीं कह सकता।